बोल बोले, मुझे विश्वास है कि एक दिन मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। तय हुआ है कि हम लोग 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लेंगे। मैंने गांधी जी को वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूं। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की है। और बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक बुद्धि संगत और सदा समकालीन है। कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा। सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे। मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान समानता सदाचार और करुणा पर आधारित है।
सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूं और अछूत भी नहीं हूं। मैं एक मुक्त मानव, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,